हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे अपनी प्रिपरेशन में। तो उसी सीरीज़ में मैं आज कुछ नई डेफिनेशंस के साथ आपके सामने आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्यकार की, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स स्टार्ट अ क्लास। वाक्यकार क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए। जो व्यक्ति पद रचना और स्वर रचना दोनों में प्रवीण होता है उसे वाक्यकार कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति खुद गाने लिखता हो और संगीतबद्ध करता हो उसे वाक्यकार कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे कंपोजर बोल सकते हैं, ठीक, उसे कहते हैं वाक्यकार। और संगीत रत्नाकर में वाक्यकार के 28 गुण बताए गए हैं। उन 28 गुणों को याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी ट्राई करिएगा। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक क्विक रिव्यू दे रही हूँ, आप वो माइंड में रख सकते हैं, ठीक है? जैसे जिसे ग्रंथों का ज्ञान हो, ठीक, छंदों का ज्ञान हो, रीति रिवाजों का ज्ञान हो, जो गीत वाद्य नृत्य इन तीनों कलाओं में जिससे महारत हासिल हो, ठीक है, और जो प्रखर बुद्धि का हो, बोलने में निपुण हो, सरलता हो, स्वतंत्र रचना करने वाला हो, एकाग्रता हो, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं वाक्यकार के अंदर। तो टोटल 28 बताए हैं। अब आते हैं मेल या थाट किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। देखिए, सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होता है, ठीक है? 12 स्वर टोटल हैं, 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न किया जा सके। थाट को मेल भी कहा जाता है और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट माने गए हैं। वो 10 थाट कौन कौन से हैं? बिलावल, कल्याण, खमाज, आसावरी, काफ़ी, भैरवी, भैरव, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। उसके बाद हम बात करते हैं राग क्या होता है। देखिए, राग कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे राग कहलाती है, ठीक है, उसे हम राग कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट थाट। जो 10 थाट आपको बताए गए थे उसको एक बार देख लेते हैं। बिलावल थाट की क्या पहचान है, इसमें प्रत्येक स्वर शुद्ध लगता है, ठीक है। और कल्याण थाट की बात करें तो कल्याण थाट में मा तीव्र लगता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। खमाज थाट की बात करें तो इसमें नी कोमल, अन्य स्वर शुद्ध। आसावरी थाट में ग, ध और नी, ये 3 स्वर जो हैं वो कोमल लगते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। काफ़ी थाट की अगर हम बात करें तो काफ़ी थाट में गा, नी, कोमल लगता है और बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। भैरवी थाट की बात करें तो भैरवी में रे, ग, ध, नी, ये 4 स्वर जो हैं वो कोमल लगते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। वहीं भैरव में रे और धा कोमल लगता है, अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। मारवा में रे कोमल, मा तीव्र और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। पूर्वी की अगर हम बात करें तो पूर्वी थाट में रे, धा कोमल लगता है और मा तीव्र लगता है। तोड़ी थाट की बात करें तो रे, ग, धा कोमल, मा तीव्र और अन्य स्वर जितने भी स्वर हैं वो शुद्ध लगते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नई डेफिनेशन पे आते हैं, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग क्या होता है। देखो, इसके विषय में प्राचीन ग्रंथों में मुख्य 3 मत हैं, ठीक है। पहला मत है जो दामोदर पंडित ने संगीत दर्पण में बताया है कि जिसमें ग्राम राग की कुछ छाया हो वे रागांग होते हैं, जिसमें भाषा राग की छाया हो वे भाषांग होते हैं, जिनसे थकी हुई इंद्रियों को उत्साह प्राप्त हो वे क्रियांग होते हैं, और जिनमें राग की छाया थोड़ी सी छाया हो वो उपांग राग होते हैं, ठीक है। दूसरे मत में क्या कहा गया है, देखिए, दूसरे मत में कहा गया है रागांग का अर्थ है राग के विभिन्न अंग, ठीक है, मतलब रागों के कौन कौन से अंग हैं उसे रागांग कहा गया है। उपांग का अर्थ है राग के अन्य छोटे अंग। भाषांग का अर्थ है भाषा नामक गायन विधि के विभिन्न अंग, तथा क्रियांग का अर्थ गायन क्रिया के विभिन्न अंगों से लिया गया है। तो ये बात थी दूसरे मत के अनुसार। तीसरा मत जो भातखंडे संगीत शास्त्र से लिया गया है, इसमें क्या कहा गया है कि जिन रागों में शास्त्रीय नियमों का पालन हो वे रागांग कहलाते हैं, समझ रहे हैं? जो राग जिनमें शास्त्रीय नियमों का पालन हो वे रागांग कहलाते हैं। भाषांग राग क्या होते हैं कि जिनकी रचना देश में प्रचलित शैलियों के आधार पर हुई हो वो भाषांग कहलाती है, और ये शास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित नहीं होते बल्कि शास्त्रीय सिद्धांतों के पास होते हैं।
क्रियांग क्या होते हैं? क्रियांग राग वे हैं जिनके अवरोह में कभी कभी राग की रंजकता बढ़ाने के लिए विवादी स्वरों का प्रयोग कर लिया जाता है, और उपांग राग वे हैं जिनसे राग के मूल स्वरों में से कोई स्वर हटाकर विवादी स्वरों का प्रयोग कर लिया जाता है, वो होते हैं आपके उपांग। तो हमने आज जो है, आज की क्लास हमारी छोटी थी, हमने आज क्या देखा, आज हमने रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग की परिभाषा देखी, हमने 10 थाट देखे, उसमें कौन कौन से स्वरों का यूज़ होता है वो देखा, और राग की परिभाषा, उसके बाद हमने देखा था वाग्यकार क्या होता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी थी आज की क्लास में। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।